आज हम इंग्लिश का एक और मुहावरा सीखेंगे। तो आज का मुहावरा है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून इसका हिंदी में मतलब होगा कभी कभार या बहुत ही कम। अगर कोई घटना या कोई भी काम कभी कभार होता है, बहुत ही कम होता है, तो उसके लिए हम इस मुहावरे का उपयोग कर पाएंगे, वंस इन अ ब्लू मून। एक और बात, शब्द से शब्द का अगर अर्थ निकालेंगे तो ये मुहावरे हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें लिख रखा है वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून मतलब नीला चांद, जबकि हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है, हमें अर्थ समझना पड़ेगा। और एक और बात, हिंदी में भी एक ऐसा ही मुहावरा हम यूज में लाते हैं जो है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना, वहाँ भी चांद यूज किया गया है, ईद का चांद, क्योंकि ईद का चांद साल में एक बार ही दिखाई देता है, तो जो घटना बहुत ही कम होती है उसके लिए हम हिंदी में भी ये मुहावरा यूज करते हैं। आइए एक सेंटेंस देखते हैं। वह मंदिर कभी कभार जाता है। वह मंदिर कभी कभार जाता है। ही गोज टू टेम्पल वंस इन अ ब्लू मून। ही गोज टू टेम्पल वंस इन अ ब्लू मून। तो आज हमने इस मुहावरे को सीखा। और इंग्लिश की इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।